हाय, मेरा नाम रंटी है। मैं बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा हूँ और ये मेरा घर है। मैं अपनी मम्मा के साथ रहता हूँ। मम्मा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। बंटी, आप मेरी चप्पलों के पास क्या कर रहे हो? हटो चप्पलों के पास से, शाबाश, जल्दी से। नहीं मम्मा, मुझे आपकी चप्पलें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मुझे गर्मी लगती है ना तो मैं फ्रिज के अंदर जाके बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बड़ा ठंडी ठंडी जगह होती है। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठकर। ओह, मम्मा ने मुझे देख लिया। बंटी, यहाँ क्या कर रहे हो आप? बंटी, बाहर आइए, यहाँ फ्रिज के अंदर बैठने की जगह है। मम्मा, मैं तो यहीं पे बैठूंगा, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। बंटी, ये कहाँ चढ़ रहे हैं आप? नीचे उतरिए जल्दी से, ऊपर नहीं चढ़ते होंगे। मम्मा, मुझे वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऊंची जगह पर बैठूंगा, मुझे वहाँ से सब कुछ साफ साफ क्लियर नजर आता है। मुझे बहुत मजा आता है। ये देखिए मम्मा, मैं यहाँ पर बैठूंगा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पाउडर मिल्क बहुत पसंद है। जब भी मम्मा ये लेकर आती हैं, मेरा दिल चाहता है मैं ये पूरा खा लूं, लेकिन मम्मा पूरा जार में बंद कर देती हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। कितना मज़ा आ रहा है इसको खाने में, बहुत यम्मी है ये, बहुत टेस्टी है। बंटी बंटी बंटी, ये क्या कर रहे हैं आप? बंटी, मम्मा ये देखिए, मैं फंस गया हूँ, इसको निकालें जल्दी से। ये तो मेरा पूरी अंदर फंस गया। मम्मा जल्दी से मुझे निकालें। थैंक यू मम्मा। मुझे ये गेम बहुत पसंद है। इसमें माउस और कीड़े मकोड़े आगे पीछे भागते हैं। इसमें बटरफ्लाई भी नज़र आती हैं जो आगे पीछे भागते हैं। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये मुझसे पकड़े नहीं जाते। मेरा दिल चाहता है अगर ये रियल में होते ना तो मैं इनको खूब जो है ना इनको घुमा घुमा के इनको मारता और इनको जो है ना सबको मज़ा चखाता मैं। लेकिन ये पता नहीं मेरे हाथ क्यों नहीं आते हैंगे और आगे पीछे जो है ना ये भागते रहते हैंगे। आ जाए ना एक दफ़ा ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इनका ऐसा शिकार करूँगा कि ये याद रखेंगे। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर वक्त उछलना कूदना खेलना बहुत पसंद है और मैं हर वक्त अपनी लाइफ को इंजॉय करता हूँ। ये मम्मा मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त लेकर आई है। इसका नाम फेरी है। है बहुत अच्छी लेकिन ये हर वक्त मुझे मना कर देती है। ना खुद खेलती ना मुझे खेलने देती है। नहीं भाई, मैं तो खेलूँगा, मुझे तो खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मुझे मना कर देती है। ये देखिए अभी फिर ये मेरे पीछे आ गई। हेलो, ये क्या करते हो तुम? आराम से बैठा करो। ये देखिए मुझे डांट के चली गई है। ये बहुत हिट लगेगी। ये जो है ना खुद खेलती है ना मुझे खेलने देती है और कहती है कि नहीं तुम अब पड़े हुए नहीं खेला करो। भाई मैं तो खेलूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए फिर आ गई है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ मत खेला करो, शरारते नहीं किया करो, तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। फेरी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है ये। ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं भी इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। और अब मैं शरारते भी थोड़ी कम करता हूँ क्योंकि फेरी का कहना भी तो मानना है ना। हाँ भाई, अब तो मैं जो है ना बहुत जिम्मेदार हो गया हूँ। मेरे तीन छोटे छोटे बेबी हो गए हैं और फेरी जो है मेरी बच्चों की मम्मा बन गई है और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ क्योंकि अब मैं अपने बच्चों के साथ खेला करूँगा। ये मिलिए मेरे बच्चों से और ये फेरी है और ये उसके तीन बच्चे हैं। फेरी बहुत अच्छी मम्मा है, वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और मुझे भी अपने बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी ये बड़े हो जाएं तो मैं उनके साथ खेलना शुरू करूँगा। ये देखिए ये अब बड़े हो गए हैं, अब मेरे साथ खेलते हैं। और ये भी मोंटी जो है ये मेरी तरह ही शरारती है। इसको भी ऊंची जगह पर चढ़ना और बैठना बहुत पसंद है और ये भी मेरी तरह ही लाइफ को इंजॉय करता है। बाकी दो जो हैं वो अपनी मम्मा की तरह थोड़े सीरियस रहते हैं।
तो ये थी मेरी कहानी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।